वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है कि जदों भी आपां कोई नवा कपड़ा पहनदे आ तां सानूं किस शब्द दा जाप करना चाहीदा है। इह सवाल इक मेरी किसे भैण वल्लों पुछिया गया है। उह पुछदे ने कि जेकर आपां खाण पीण लग्गिआं उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी दा शुकराना करदे आ तां की नवे वस्त्र पाउण लग्गिआं वी सानूं शुकराना करना चाहीदा है, अते जेकर हां तां फिर सानूं उस शब्द दा जाप दसो जो नवे कपड़े पहनण लग्गिआ असी करना है। तां देखो जी, शुकराना साडी जिंदगी दे विच बहुत जरूरी आ। शुकराना सानूं उठदिआं बहिंदिआं सौंदिआं जागदिआं खांद्या पींद्या हर काम दे लई शुकराना करना चाहीदा है। तां जो इह सानूं सोहणे वस्त्र जो इह कपड़े पहनण नूं मिल रहे ने इह वी तां उस मालक दी किरपा है, क्योंकि कपड़िआं दी कीमत उहनां नूं पुछो जो फुटपाथ ते बिना कपड़िआं तों कड़ाके दी ठंड नूं अपने शरीर ते हड़ाउंदे ने। इहनां कपड़िआं दी कीमत उहनां नूं पता है, पर अपने वर्गे तां इस गल नूं मजाक विच लै लैंदे ने। तां जदों वी अपने घर विच नवें कपड़े लै के आउणे आ, कपड़े पहनणे आ, कपड़े किसी वी तरीके दे नाल इस्तेमाल करने आ, मालक दा शुकराना जरूर करिआ करो। ते मालक दा शुकराना करन दे लई सानूं किसी वी खास शब्द दी लोड़ नहीं। शुकराने दे लई जिस तरह अरदास साडे मन दी भावना है ना, उसे तरह शुकराना भी साडे मन दी भावना है। साडे मन विचों शुकर निकलना चाहीदा है। सानूं इस गल दा एहसास होना चाहीदा है कि जो भी असीं खा रहे हां पी रहे हां जो असीं साह लै रहे हां कि जो भी हो रहा है उस मालक दी रजा विच हो रहा है, उस मालक दी कृपा दे नाल हो रहा है। अते जो भी दाता मैनूं मिल रहीआं ने ना उह मालक दी कृपा दे नाल ही मिल रहीआं ने। जेकर मेरे मालक दी निगाह सवल्ली आ, मेरे उत्ते मालक दी मेहर आ, तां ही मैं इह सुख माण रहा हां। तां इस करके हर वेले शुकराना करो, हर चीज दे लई शुकराना करो। अते जदों नवे कपड़े पहनने आ उदों भी शुकराना करो। तां जे उह कहिंदे ने कि सानूं खास शब्द दसो, तां मेरे हाजर नाजर गुरु नानक पातशाह भाव धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1430 अंगां दे विच सारी ही बाणी दे विच मेरे गुरु नानक पातशाह आप प्रतख वरतदे ने। तां तुसीं 1430 अंगां दी बाणी दे विचों किसे वी शब्द दा जाप कर सकदे हो, तुहाडा ओही कीता होया जाप गुरु घर दे विच प्रवान होवेगा, गुरु चरणा दे विच प्रवान होवेगा। चाहे तुसी वाहेगुरु जी दा सिमरन कर लो, चाहे मूल मंत्र दा जाप कर लो, चाहे जे तुहानूं किसी होर शब्द दा जाप है ए भी दात तेरी दा तार दा जाप कर लो। कहण तों भाव कि जो भी शब्द तुहानूं सरल लगदा है, जो भी शब्द तुहानूं कंठ है, उस शब्द दा जाप करके बस मालक दा शुकराना करना है। अते इत्थे इह ध्यान रखना है कि जो असीं शुकराना करना है उह सिर्फ साडी जीभ दे नाल शुकराना नहीं होना चाहीदा, साडे अंदरों धुर अंदरों निकली आवाज होनी चाहीदी है कि मालका तेरा शुकर है, तेरा शुकर है। आपां इन्हां गल्लां नूं निक्कियां गल्लां समझ लैंदे आ, पर आपां नूं इह गल समझनी चाहीदी है कि उस मालक दे हुक्म तों बिना आपां किसे वी काम दे नहीं। जे मालक दा हुक्म आ तां सानूं चंगा खाण पीण नूं मिल रिहा है, जे मालक दा हुक्म आ तां साडा अंदर गया साह वापस बाहर आ रहा है। जे मालक दा हुक्म आ तां असीं चंगी नींद सो रहे आ। जे मालक दा हुक्म आ तां असीं सोहणी नींद तों बाद उठ पाए आ। जे मालक दा हुक्म आ, मालक दी रजा है, तां असीं उस मालक दा नाम लै रहे आ। इन्हां गल्लां नूं समझिया करो। जदों इह गल्लां साडी समझ विच आउण लग गईआं ना, इह निक्कियां गल्लां नहीं हन, इह बहुत वड्डियां गल्लां ने, बड़े राज दीआं गल्लां ने। जो भी इन्हां गल्लां नूं समझ लैंदा है, जो अपने जीवन विच लागू कर लैंदा है, उह हमेशा उस मालक दी निगाह विच रहिंदा है, मालक दी मेहर अते मालक दी किरपा प्राप्त करदा रहिंदा है। तां इस करके हमेशा ही उस मालक ते शुकराने दे विच रहो, मालक दे हुक्म दे विच रहो। जो मालक ने दित्ता है, जो भी मालक ने चीज दित्ती आ, जो तुसी दुनियावी सुख सहूलतां दा आनंद माण रहे हो, उन्हां हरेक चीजां दे लई शुकराना करो। चाहे कोई खाण वाली वस्तु आ, चाहे पहनण वाली वस्तु आ, चाहे तुहाडा होर कोई भी सुख सहूलत है, सब दे लई एक एक चीज दा शुकराना करिया करो। तां देखना जदों तुसी मन दे नाल शुकराना करन बैठोगे ना, तां इंज महसूस होवेगा कि मैं तां दुनिया दा सब तों अमीर व्यक्ति आ, कि मेरे मालक ने मैनूं इन्नियां चीजां बख्शियां ने। अते इह वी एहसास होवेगा कि मेरे मालक ने तां मैनूं इन्नियां दातां बख्शियां ने, पर मैं बेशुकरा हां।
शुकर की बजाय हर वेले गिले शिकवे करता रहना हाँ। इस करके अज तो ही अपने जीवन दे विच शुकराने दे निजम नूं अपना लो अते गिले शिकव्या नूं मनों बाहर कढ दो। गिले शिकवे शिकायतां सानूं उस मालक तो दूर लैके जांदियां ने अते शुकराना उस मालक दे चरणां दे नेड़े लैके आउंदा है। इस करके हुण इह असीं खुद डिसाइड करना है कि सानूं मालक दी किरपा चाहीदी है जां नाराजगी। जे मालक दी किरपा चाहीदी है, मालक दीआं खुशियां चाहीदीआं ने तां हर वेले उस मालक दे शुकराने दे विच रहो। वाहिगुरू अकाल पुरख जी दी होंद नूं समझो, इस गल नूं समझो कि करन कराउण वाला मेरा मालक है, उसकी रजा तो बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जदों इस गल नूं आपां वार वार याद करांगे, इस गल नूं महसूस करांगे तां शुकर है साडे मन विचों अपने आप निकलेगा। अते शुकराना जिन्नी देर तक साडे मन अंदरों नहीं ना निकलदा उन्नी देर कोई लाभ नहीं है। शुकराना एक भावना है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਰੀਏ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਸਤੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਸਤੂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਕਰਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।